Hello friends, in this lesson we shall discuss tax deduction at source on a large cash withdrawals. Friends, Indian economy ke andar large cash transactions ko discourage karna aur jo log business karte hain unko less cash economy ki taraf leke jana, is purpose ke liye some provisions were introduced in Union Budget 2019. ये प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. दिस मीन दिस टीडीएस विल बी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो दिस प्रोविजंस हैव बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 सितंबर 2019. सो इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इनका जो इंप्लीमेंटेशन डेट है दैट इज 1 सितंबर, नॉट 1 अप्रैल. और किन ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये टीडीएस बैंक वालों को विड्रॉ एप्लीकेबल करना है. सो थ्रेशहोल्ड जो अमाउंट है दैट इज कैश विड्रॉल ऑफ मोर देन ₹1 करोड़. और जब हम कहते हैं मोर देन 1 करोड़, इट मीन्स वट. So, ये 1 करोड़ से ज्यादा का जो टोटल टैक्स कैश ट्रांजेक्शन है, कैश विड्रॉल है रादर, दिस इज ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एंड इट इज पर बैंक और पर पोस्ट ऑफिस एंड इट कैन बी सिंगल ट्रांजेक्शन और इट कैन बी टोटल ऑफ विड्रॉल्स ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर. और अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स विद इन सेम बैंक और पोस्ट ऑफिस विल बी एग्रीगेटेड. So, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं. सो जब हम देखेंगे कि थ्रेश होल्ड अमाउंट मोर देन 1 करोड़ में क्या क्या इंक्लूड होगा. 1, ये मोर देन 1 करोड़ हमने देखना है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर. 2, इट कुड बी पर बैंक, इट कुड बी पर पोस्ट ऑफिस. इट मीन अगर किसी कस्टमर के एक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट है तो हर बैंक में उसको मोर देन 1 करोड़ रुपीज तक ये टीडीएस का एप्लीकेशन बनेगा. सिंगल ट्रांजेक्शन, सो दिस मोर देन 1 करोड़ विड्रॉल, इट कैन बी सिंगल ट्रांजेक्शन और इट कुड बी टोटल ऑफ विड्रॉल्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. और जब हम इनका एग्रीगेशन करेंगे तो वो पर्सन वाइज करेंगे. सो अमाउंट ऑफ विड्रॉल थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स विद इन द सेम बैंक और पोस्ट ऑफिस विल बी एग्रीगेटेड. सो अगर एक पर्सन के एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं तो उनको एग्रीगेट कर लिया जाएगा विद इन द सेम बैंक और विद इन द सेम पोस्ट ऑफिस. Amount withdrawn from 1st April to 31st August 19, that is not subject to TDS. So, जो पैसा already इसके implementation होने से पहले withdraw हो चुका है cash, उसको TDS उसके ऊपर charge नहीं करना. But for the remaining period, जब हम more than 1 करोड़ का amount बनाएंगे, तो उसके अंदर इस withdrawal के amount को भी add करना होगा. लेकिन टीडीएस हम करेंगे केवल सब्सिक्वेंट विड्रॉल्स के लिए. ये टीडीएस किस समय विड्रॉ एप्लीकेबल बनेगा. सो टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट. सो जब भी हम कैश पेमेंट कर रहे होंगे एंड इफ दैट ट्रांजैक्शन फॉल्स विद इन दिस तो देन दिस डिडक्शन शैल बी डन. रेट ऑफ टीडीएस दैट इज 2% ऑफ अमाउंट विड्रॉल. So, जो विड्रॉल का अमाउंट होगा उसके 2% के बराबर का हमें टीडीएस एट दैट पर्टिकुलर टाइम करना होगा. फ्रेंड्स, अब कौन कौन से लोग इसमें कवर्ड होंगे. सो कौन कौन से टैक्स पेयर्स हैं. इंडिविजुअल्स, HUF, कंपनीज, पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, लोकल अथॉरिटीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सारे के सारे ही तरह के लोग इसमें कवर्ड होंगे. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो. और कैश पेयर्स, जो लोग ये कैश दे रहे हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस, ये कौन कौन से हैं. सो बैंकिंग कंपनी सारी की सारी, इसी प्रकार से कोऑपरेटिव बैंक्स और इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस. फ्रेंड्स, टीडीएस के रूल्स कहते हैं कि अगर हमने टीडीएस का एप्लीकेशन नहीं किया, एप्लीकेबल टीडीएस को हमने डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट तो किया लेकिन हमने उसके ऑन टाइम डिपॉजिट नहीं करवाया, तो वो रूल्स जो बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल हैं, इनका स्टेटमेंट सबमिट करना, इनका डिडक्ट करके रिमिट करवाना, उनका रिपोर्टिंग करना, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस उसी प्रकार से वो सारे रूल्स होंगे जो कि एक हमारे नॉर्मल टीडीएस कंप्लायंस रूल्स के विदिन फॉलो करते हैं.
वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो के कंटेंट्स आपको हेल्प करेंगे इन डिस्चार्जिंग योर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो लाइक करना मत भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन ए कंटीन्यूअस बेसिस मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।